साल में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। अमावस्या से एक दिन पहले आती है शिवरात्रि, महीने की सबसे अंधेरी रात। माघ के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस रात ऊर्जा असाधारण रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। योगिक परंपरा के अनुसार इस रात किसी को भी लेटना नहीं चाहिए, आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, ताकि आप ऊपर की ओर ऊर्जा के कुदरती प्रवाह का लाभ उठा सकें। इसके लिए संगीत, ध्यान, मंत्र वगैरह होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें भाग लें, चाहे आप यहां मौजूद हों या जहां से भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हों। ये बहुत ही अलग अनुभव था, जिसे मैं सालों याद रखूंगा। आपको खुद इसका अनुभव करना होगा। ये बहुत एक्साइटिंग है। मेरे ख्याल से इस रात आप इस जगह के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं होना चाहेंगे। आदि योगी का यह 112 फुट ऊंचा चेहरा और योगेश्वर लिंग, यह स्थान जहां हम सभी जमा हुए हैं, आने वाले समय में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। महाशिवरात्रि महोत्सव यक्ष के साथ शुरू होता है, जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य का 3 दिन का उत्सव है। भारत की विभिन्न कलाएं जो हजारों सालों में विकसित हुई और जिन्होंने कई पीढ़ियों तक अपनी गहराई से संस्कृति को समृद्ध बनाया, आज धीरे धीरे खोती जा रही हैं। इन कलाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की कोशिश में यक्ष में भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होती हैं। मेरे लिए ये परफॉर्मेंस नहीं था, एक अर्पण था। उत्साह व उल्लास से भरी यक्ष की 3 शामों के बाद रात भर चलने वाला महाशिवरात्रि का भव्य महोत्सव होता है। शिव का एक नाम भूतेश्वर है, यानी वो मूल तत्वों के देवता हैं। महाशिवरात्रि की शाम को हम ध्यानलिंग मंदिर में पंचभूत आराधना करेंगे। ये मुख्य रूप से ध्यानलिंग में कृपा के उस आयाम का लाभ उठाने के लिए है। सदगुरु ने पहली बार आदि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। महाशिवरात्रि की पवित्र रात को ईशा योग केंद्र में मौजूद भक्तों को प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष मिलेगा। ऐसे 108,000 रुद्राक्ष साल भर से आदि योगी की शोभा बढ़ाते रहे हैं। ये रुद्राक्ष आपके जीवन में आदि योगी की कृपा लाएंगे। सदगुरु ने आदि योगी प्रदक्षिणा भी बनाई है, ताकि आप आदि योगी की कृपा को ग्रहण करने के काबिल हो सके। महाशिवरात्रि के दिन माँ लिंग भैरवी की उत्सव मूर्ति एक भव्य जुलूस के रूप में लिंग भैरवी स्थान से आदि योगी तक जाएगी। आपको पहली बार इस जबरदस्त महायात्रा का हिस्सा बनने का अनूठा अवसर मिलेगा। एक अनोखी रात, सबसे असाधारण रात, जब बाकी दुनिया सो रही है, आप यहां पूरी रात जोश में रहें। कृपा से सराबोर महाशिवरात्रि की इस रात में
हम आपका स्वागत करते हैं।